नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। पंचायत चुनाव 2021 अब नजदीक आ गई है। सिर्फ चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान होना बाकी है। प्रशासनिक स्तर पर लगातार चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, तो वहीं पंचायत में काबा, मुखिया जी के कामों से कितने क्या लोग संतुष्ट हैं, आइए हम आज आपको लिए चलते हैं अलोली प्रखंड के छिलकोरी पंचायत में। वार्ड नंबर 11 है और यहाँ के युवाओं से, क्या नाम है आपका, कितना काम हुआ है पंचायत में? एक भी काम नहीं बचा। अच्छा, और क्या नाम है आपका? हमारा हरि नारायण यादव। हरि नारायण जी, कितना काम हुआ है? ये काम जितने 5 साल मुखिया रहे, 10 साल बार विनोद राम रहे सर, दिनेश मुखिया ऐसन एको गो काम करे वाला पुरुष नहीं जन्म ले। गली गली में रोड बना दिलके सर, तकर बाद पशु जो है सर सब वार्ड में धरके पकड़ के काम से निचे ना सर। ये मुखिया नहीं रूपा रहे, जहाँ धरि जनता के बीच में अपन रूपा दे के बेगूसराय भेजे जी, गरी अपन क्या के भाड़ा भी दे के देख भेज रहा है। ऐसन मुखिया मैंने हमारा पंचायत में जब से हमारा होश भले 3 गो 4 गो भले हन, एको मुखिया ऐसा जोड़ में एको मुखिए नहीं रहा। क्या छो मुखिया तरह के? हमारा भी दिनेश मुखिया। अच्छा जी, क्या नाम हुआ आपका? उमेश यादव। उमेश जी, कितना क्या काम हुआ है? अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय की बात करें, चाहे लोगों को वृद्धा पेंशन दिलाने की बात करें, इन सब चीज़ों में मुखिया जी कितना हस्तक्षेप करते हैं, कितना क्या विकास हुआ? सर अभी तक जितना भी काम हुआ है इसमें तो अनुभव ही नहीं किया जाता है कितना काम, बहुत ही ज़्यादा काम हो गया। आज से कुछ दिन पहले लोग जानता भी नहीं था कि इंदिरा आवास या रोड के बारे में या पशु शेड के बारे में या लेटरिन रूम के बारे में या कोनो भी चीज़ का जानकारी नहीं था लोग। जितना इस बार 5 साल के अंदर में काम हुई है, यहाँ बाहर से आने जाने में भी लोग को इतना कठिनाई होती थी कि लोग आते जाते रास्ते में भी मर जाते थे, लेकिन आज रात भी नहीं लग रहा लोग को, रात हो गया। बाढ़ वगैरह भी आती है? बाढ़ वगैरह बाढ़ भी आते हैं? बाढ़ में मदद मिलता है मुखिया जी? मुखिया जी हेल्प करते हैं उसमें। हाँ। पूरा एकदम मुखिया जी मदद करते हैं बाढ़ में? खूब मदद करे, झूठे वाला काम नहीं, नहीं सही बात है, खूब मदद करे। शौचालय वाला पैसा नहीं रहा मुखिया जी? नहीं कुछ, वृद्धा पेंशन में कुछ है? इस बार चुनाव छे पर बात की स्थिति चर्चा की बारे से चर्चा एकदम हिंकर हो जे भोट के छ मुखिया जनता दिनेश मुखिया। दिनेश मुखिया, आइए तरी देखिए पानी कचर रहे, का नाम हुआ आपका? झल्लू सदा। आज झल्लू सदा जी, का हो रहा है आपके पंचायत में? का हमारा पंचायत में सही सलामत ठीक हो रहा है? हमारा मुखिया ऐसा चाहिए कि दिनेश यादव जैसा। हाँ है भाई, दिनेश यादव का है बस, दिनेश यादव छोड़ के दूसरा भी मुखिया होगा फिर पंचायत में बहुत से बहुत गर्जन। हाँ अच्छा, दूसरा हो जाएगा गर्जन? हाँ बिल्कुल गर्जन होगा, 15 साल गर्जन हुआ ना। अच्छा, फिर होगा वैसी गर्जन। काम कितना हुआ रोड काम में? हमें कोई कमी नहीं है हमारा पंचायत। पानी मुनी आया घर? पानी मुनी सब कुछ, नलका बिजली फलना चिलना सारा चीज का मेंटेन है हर घर में, बिजली लग गया। तो मुखिया जी थोड़ी दिए हैं, तो बिहार सरकार जी दिया है, ताकि वर्तमान मुखिया जी है। अच्छा, मुखिया जी जो कहता है हम लोग करते हैं, वो काम हमको तुरंत होता है। मुखिया जी मदद करते जाते हैं एकदम, बिल्कुल सही, इसमें कोई पता मुखिया जी से मिलने नहीं होता है, जो है बाहर में रहते हैं मुखिया जी। जो बाहर में रहता है हमारा मुखिया बाहर जेबी नहीं करते हैं, घर पर रहता है। आइए हम और भी यहाँ के लोगों से जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? चमरू सदा। चमरू जी बताइए, का विकास का सुबह है? बिल्कुल एकदम सुरक्षित। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पैसा है मुखिया जी? नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप? नहीं। क्या नाम हुआ चाचा? राम बली जी बताइए, कितना विकास हुआ है? विकास तो पूरे हुआ है, जो कभी नहीं हुआ है अब हुआ। हाँ जो कभी नहीं हुआ है। अच्छा इसके बहुत मिला। क्या नाम हुआ आपका? राम बली यादव। हमारे साथ अलोली प्रखंड के छिलकोरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि दिनेश कुमार यादव जी हैं, जो कि युवा हैं, और पिछले दफ़ा इनकी पत्नी बुधनी देवी 2016 में बतौर मुखिया जो है जीत कराई, और 5 साल तक इन्हें मौका मिला, और पत्नी के साथ कदम से कदम मिलाकर आम लोगों की सेवा करने में अव्वल दिखे हैं दिनेश यादव जी। चाहे हर समस्या को लेकर लगातार लड़ते रहते हैं। बताइए दिनेश जी, कैसा लगा आप जो पिछले? पहले तो बोलता खगड़िया में रवि जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और
आप बोलिए क्या पूछना चाहते हैं। हमको ये जानना है कि जो छिंकोड़ी पंचायत के लोगों ने आपकी पत्नी पर आपके ऊपर भरोसा किया, उनके भरोसे पर आपका कितना खड़ा रहे। हमारे पत्नी पर जितना हमारे पंचायत की जनता, मालिक ने, बुजुर्ग, गार्जियन, युवा साथी, माताएं, बहनें जो साथ दिए हैं, हमने उनके तट पर 24 घंटा रात दिन, लोग जब हम प्रचार में जाते थे तो कुछ उस तबका को लोग हमारे जनता को बलगलाता था कि आप किसको वोट दे रहे हैं, बच्चा को वोट दे रहे हैं, बच्चा क्या आपको काम कर पाएगा। वह बच्चा काम करके आज सब बुजुर्ग साथी, बुजुर्ग गार्जियन और युवा साथी और माताएं बहनें को पता है, सबका दिल जीत लिया, सबको दिल। जब हमने कहा कि एक बार मौका हमें दिया जाए, मौका मिलने के साथ हमारा काम देख करके अगर खुश हुए तो अगला बार वोट देना नहीं तो। अच्छा दिनेश जी, एक बात बताइए कि आपको पहली दफ़ा जो है कमान मिला पंचायत का, आपके लिए कितना बड़ा चुनौती रहा कि जो है पंचायत को स्मूथली चलाना। बहुत रवि जी, बहुत बड़ा चुनौती था, बहुत बड़ा चुनौती। जब हम लोग क्षेत्र में जाते थे, हमारा पंचायत बड़ी दूरी 26 किलो रनिंग का दूरी है, 26 किलोमीटर बहुत, यहाँ से एक वार्ड उधर है, एक वार्ड उधर है, चार किलो, पाँच किलोमीटर पर एक एक वार्ड है। अच्छा, हमारे पंचायत में कुल 15 वार्ड है, 15 वार्ड में घूमने के लिए हम लोगों को 14 घंटा 16 घंटा लगा, और हमने घूमा, लोग से सुना। जब हमने पब्लिक को दिल जीता, जनता को दिल जीता, जीतने के बाद जब हमने भारी मतों से जीत के आया, 100-200 वोट से नहीं, हमें बहुत विश्वास जताया हमारे जनता, युवा साथी, जितना गरीब गुरबा वो सब बहुत भरोसा जताया। मुखिया जी, एक कड़वी सवाल है, प्रधानमंत्री आवास में कितना क्या लिया आपने? प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने कुछ नहीं लिया, प्रधानमंत्री आवास योजना को घर आप देखिए क्या लिया है। अगर हम लेते प्रधानमंत्री, मुखिया को लेकर के ये रहता है एक लोगों के अंदर कि मुखिया जी को 25,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, ऐसा सीन? ऐसा कोई सीन नहीं है। हमने अगर पैसा लेता तो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना पंचायत में नहीं बनता, हमारे साथ नहीं। आप एक एक जनता को घर पर जाइए, हमारे पंचायत में 907 हमने प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाने का काम, 907 लोगों को, 907 में से 800 से ऊपर मकान बना हुआ, बन गया, बना हुआ। सड़क की क्या स्थिति? सड़कें को तो पूछिए मत, आप आए हैं कहीं आपको जर्जर मिला? सड़क तो अच्छी आप, और सड़कें देखना, ये सड़क देखिए, बोर्ड लगा हुआ है आपको, ये भी हमने 14वीं से बनवाया, 7 इंच से देखिए आगे पशु शेड बना हुआ। हमने जानकारी के एवं हमको वो लोग बोलता था इसको तो दिमाग ही नहीं है, कहाँ से काम कर पाएगा, इसको पता क्या है, तो प्रदेश से आया, पंजाब से गरीब लोग आया, इसको कहाँ से नॉलेज। हमने जब जीते तो हम गए, जैसे आप अभी पूछ रहे हैं, आपसे पूछे, पत्रकार बंधुओं से पूछे, जिला अधिकारी महोदय, BDO, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, सब चिट्ठी दिया। देखिए आज हमारे पंचायत में 15 साल में एक भी पशु शेड नहीं है, एक भी पशु शेड नहीं है, एक भी बकरी शेड नहीं है। आज हमारे पंचायत में चल के देखिए आपको 300 से ऊपर पशु शेड, 300 से ऊपर पशु शेड मिलेगा, 800 से ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना मिलेगा, 80 सड़कें बनाए। अच्छा, 105 कन्या विवाह लड़की को चेक दिलवाने का काम किया, हमने वृद्धा पेंशन दिलवाने का काम किया, हमारे पंचायत में ऐसा कोई पेंडिंग काम नहीं है। इस बार जो 21 में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, या फिर लोग आपको वोट क्यों करें इस बार? वो तो जनता बोल रहा है मुझे कि आपने काम किया है, आप आइए, हम लोग स्वतंत्र आपको वोट देने के लिए, चाहे कोई भी आए, आप विकास का वोट देंगे। आपको अपने काम पर भरोसा है? भरोसा है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।